प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल हम आपको पाठ 6 मेरे दोस्त बनोगे कि हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे पाठ के, और भाषा से के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधित प्रश्न थे उनको कर रहे थे। कल हमने आपको करवाया था कि कैसे हम कहेंगे, विशेषण और संज्ञा के बारे में आपको बताया गया था। तो विशेषण की परिभाषा आपको पता ही है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते, और आपको पता ही है ये संज्ञा से पहले आते हैं, ये पहले लगते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उसका कोई गुण जो होता है वो बताते हैं। तो और संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा आपको पता है, संसार में हर वस्तु के नाम होती है, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें प्राणी, किसी प्राणी का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का, स्थान का, या फिर भाव का नाम आ सकता है। तो संज्ञा जो है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें हमें प्रश्न दिया हुआ है, तो हम उसमें से सही विशेषण शब्द को चुन करके संज्ञा के आगे लगाना है। आपको पता है विशेषण संज्ञा के आगे लगते हैं और वो संज्ञा का की विशेषता या गुण बताते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पांचवा प्रश्न, पढ़ो समझो और लिखो। ये हमारा भाषा से के अंतर्गत में आया गया प्रश्न, भाषा से के अंतर्गत आएगा। इसको हम पढ़ो समझो और लिखो। प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। क्या है? काले मेघ, काले मेघ। दूसरा है बड़ा घर, बड़ा घर। ध्यान दीजिएगा, दो दो शब्द हैं, एक कटोरी, एक कटोरी। तो इसमें जो पहला शब्द ध्यान दीजिएगा, काले, बड़ा और एक, ये हैं हमारे विशेषण। ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो विशेषण है ये सब क्या है, विशेषण। यहां भी जो बड़ा है वो विशेषण है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे घर है, संज्ञा है, घर की विशेषता क्या है, घर आकार में बड़ा है। अब ये दूसरा है एक, अब ये कटोरी की संख्या बता रहे हैं, कितनी कटोरियां हैं यहाँ पे, एक। तो विशेषण ये भी बताता है, संख्या भी बताता है, एक कटोरी मतलब कटोरी की संख्या कितनी है, एक। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। अरे विशेषण, विशेषण होता है, और फिर कटोरी, घर और मेघ, ये हैं हमारे संज्ञा। ये सब क्या बने, ये थे संज्ञा। तो मैं लिख देता हूँ, ये सब हैं संज्ञा। विशेषण संज्ञा का हाँ, तो मेघ, घर और कटोरी संज्ञा है, एक
बड़ा और काले ये विशेषण, और हम पर ये पता है विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बताती है। तो विशेषता में जैसे रंग भी आ सकता है, काले क्या है, रंग है, किसी वस्तु का रंग, गुण, हम कहेंगे आकार, स्वाद, ये क्या है, गंध, ये सब विशेषता में आते हैं। गुण, और ये हो गया आकार, बड़ा घर है मतलब क्या, घर का आकार बड़ा है। यहाँ पे संख्या, मात्रा भी बताई जाती है, एक कटोरी 2 किलो दाल, तो 2 किलो विशेषण है, मात्रा भी बताई जाती है, अवस्था बताई जाती है, बचपन, ये सब क्या है, ये विशेषण। तो काले, बड़ा और एक, ये विशेषण है और ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के आगे लगते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यही हम आज, हमें विशेषण दिए गए हैं और संज्ञा दिए गए हैं, हमें सही विशेषण को पहचान कर सही संज्ञा के आगे लिखना, और लिखते समय हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे पाठ के अनुसार, पाठ में हमने एक शब्द पढ़ रखे हैं, किस पाठ की बात करें, मेरे दोस्त बनो, 6ठा पाठ मेरे दोस्त बनोगे, उसके अंतर्गत ये प्रश्न दिए, ये शब्द दिए गए थे और विशेषण और संज्ञा दिए गए थे, तो उसके अनुसार हम लिखेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ, अब करते हैं अपना 5वां प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न है, संज्ञा शब्द के आगे सही विशेषण शब्द क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है। संज्ञा शब्द के आगे, संज्ञा शब्द के आगे सही विशेषण शब्द चुनकर लिखो, शब्द चुनकर लिखो। और हमने दे भी रखा है विशेषण शब्द को, तो हम विशेषण शब्द यहां लिख भी देते हैं, हमें विशेषण शब्द दिए भी गए, तो हम विशेषण को लिख देते हैं। कौन कौन से विशेषण हमें दिए गए, पहला दिया है शिकारी, दूसरा दिया गया है अद्भुत, फिर दिया है चमकदार, विशेषण दे रखे हैं, फिर है विषय, फिर है जापानी, और अंतिम शब्द है राष्ट्रीय। ये हमारे, हम कहेंगे विशेषण शब्दों को दे रखा है, शिकारी, अद्भुत, चमकदार, विषैला, जापानी, राष्ट्रीय, और संज्ञा शब्द भी दे रखे, इन्हें मैं इधर लिख देता हूँ सामने। पहला शब्द दृश्य, हमारा दूसरा शब्द दिया गया है आंखें, दूसरा शब्द है आंखें, तीसरा शब्द हमारा है कीड़े,
चौथा शब्द है जानवर। उसके बाद है हमारा पांचवा शब्द है पक्षी। और जो अंतिम शब्द है वो है, इसको यहां लिख देते हैं, जो अंतिम है वो है पंखा। तो शुरू करते हैं, हमारा पहला शब्द है वो दृश्य। दृश्य कैसा है? अद्भुत दृश्य। पाठ के अनुसार भी आपने देखा होगा, नाश्ता मोर जो था, जब मोर बादल गरजने लगे और मोर नाचने लगता है तो वो दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। इतना अद्भुत था कि हम कहेंगे आशीष खुशी से कूद पड़ता है, खुशी से कूद पड़ता है। और वो दृश्य अद्भुत क्यों कहा है? क्योंकि उसने पहले ना देखा हो, अनोखा या नया, जो पहले ना देखा गया हो, तो अद्भुत हमारा पहला शब्द है, अद्भुत दृश्य। अद्भुत, अद्भुत विशेषण हो गया, दृश्य है संज्ञा। तो इस बच्चों की सारी हमारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा कौन कौन से हैं? ये सभी हैं, दृश्य, दृश्य आंखें, उसके बाद में है कीड़े, जानवर, पक्षी और पंख। अब आंखें हैं, आंखें कैसी हैं? चमकदार, चमकदार, इसमें चमक से भरी हुई। तो आंखें का विशेषण है चमकदार। आंखें कैसी है? चमकदार आंखें। दूसरा है कीड़े, विषैले कीड़े। पाठ में हमने देखा था कि जो कीड़े हैं, विषैले कीड़ों को मोर अपना भोजन बनाता है, आहार बनाता है, तो विषैले कीड़े। विषैले कीड़े। अगला है हमारा चौथा शब्द है वो है जानवर है, तो शिकारी जानवर की बात की गई कि जो मोर है वो शिकारी जानवरों से बच के रहता है, खतरा होने पे उड़ जाता है, तो शिकारी जानवर। शिकारी जानवर में कौन होता है? जो शिकार करता है। शिकारी जानवर का क्या अर्थ है? वह जानवर जो शिकार करता है। अब शिकार कौन करता है? शेर करता है, बिल्ली हो गई, लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया, ये सब जंगल में शिकारी जानवर कहलाते हैं। शेर चीते दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, तो इसलिए शिकारी जानवर मतलब वह जानवर जो शिकार करते हैं। विषैले कीड़े मतलब वो कीड़े जो विष से भरे हुए हैं, जहर से भरे हुए हैं। आँखें, चमकदार आँखें, वे आँखें जिनमें चमक हो, तो मोर की आँखें बड़ी चमकदार होती। दृश्य, अद्भुत दृश्य, वह दृश्य जो अनोखा हो, विचित्र हो, जो पहले न देखा गया हो, उसे अद्भुत दृश्य कहा जाए। तो दो हमारे और बच गए, पंछी और पंखा। तो हमने कहाँ लिखा? शिकारी तक कर लिया है, देखिए अद्भुत, विषैला, शिकारी और चमकदार कर लिया है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी वो पक्षी होता है जिसे कोई एक राष्ट्र उसे अपना राष्ट्रीय पक्षी स्वीकार कर लेता है और उस पक्षी का फिर शिकार नहीं किया जाता है। तो मोर को शायद इसी कारण से हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, क्योंकि वो देखने में तो सुंदर होता ही है, वो किसानों की मदद करता है, लोगों की मदद करता है, विषैले कीड़ों को खाकर, सांप बिच्छू को खाकर, तो शायद इसीलिए उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला गया। और उसके बाद हमारा जो अंतिम जो है शब्द है वह है पंखा, जापानी पंखा। क्या है? जापानी पंखा, देश का नाम है जापान,
जापान से बना है, जापानी पंखा। तो ये पंखा जब खोला जाता है तो पूरी तरह से गोल हो जाता है। ये पंखा की क्या विशेषता है? वो जापान का है, जापान एक देश का नाम है आपको पता है। तो जापानी पंखा कैसा होता है? ऐसे तो फोल्डिंग होता है, लेकिन अगर उसको खोल दिया जाए तो पूरी तरह से गोल हो जाता है। और मोर का भी जो पंख होता है, एक जब मोर नाचता नहीं आपने देखा होगा, पीछे उसका पंख बड़ा लंबा सा निकला रहता है, किसी झाड़ू की तरह पीछे रहता है, लेकिन जब मोर नाचना शुरू कर देता है तो उसके पंख जापानी पंखे की तरह पूरी तरह से गोल खुल जाते हैं। तो यही पाठ में बताया गया था कि नाचते समय मोर का पंख जो होता है वो जापानी पंखे की तरह पूरी तरह से गोल हो जाता है और बड़ा आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। तो बच्चों, ये था हमारा कौन सा प्रश्न? पांचवां प्रश्न। अब हम चलते हैं, ये हमने कर लिया, एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ आपको। ये थे हमारे विशेषण, दृश्य, आंखें, कीड़े, जानवर, पक्षी, पंखा, ये हमारे संज्ञा थे। अब हमको पता ही है विशेषण को संज्ञा के आगे लिखा जाता है, तभी ना वो विशेषता बताएंगे। तो क्या हमने लिखा? अद्भुत दृश्य, चमकदार आंखें, विषैले कीड़े, शिकारी जानवर, राष्ट्रीय पक्षी, जापानी पंखा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अब हमारा छठा प्रश्न है, श्रुतलेख। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, श्रुतलेख सुनकर लिखना। तो ये हमारा छठा प्रश्न है, श्रुतलेख। और खासकर जो नए शब्द आते हैं उसका अभ्यास हम श्रुतलेख के द्वारा करते हैं। जो भी नए नए शब्द आते हैं पाठ में जो हमने पहले नहीं पढ़ा, जैसे चौकन्ना, बिच्छू, विषैला, ये सब हमने शब्दों को पहले नहीं पढ़ा है, तो उन शब्दों को लिखना भी हमें आना चाहिए। तो श्रुतलेख इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे लिख करके उसका अभ्यास करें। तो लिखने से पहले सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि हमें उन्हें उनका उच्चारण भी कहीं सही करना चाहिए, क्योंकि तो जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हिंदी में लिखा जाता है। कोई साइलेंट लेटर तो होता नहीं हिंदी में, तो जैसा बोला जाता है ठीक वैसा उसी तरह लिखा भी जाता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे भी। तो पहले नए शब्दों को हम लोग इसका सही उच्चारण जान लेते, उसके बाद हम श्रुतलेख का अभ्यास कर सकते। तो ये हमारा छठा प्रश्न है, श्रुतलेख। ये भी भाषा से की अंतर्गत ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, श्रुत का क्या अर्थ होता है? सुनना। और ये लेकिन सुन करके लिखना, अब बन गया सुलेख अलग चीज होता है और श्रुतलेख अलग होता है, बच्चे आपस में से मिला देते हैं। सुलेख मतलब सुंदर लिखाई, हैंड राइटिंग। सुलेख मतलब क्या होता है? सुंदर लिखाई, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग। सुलेख और श्रुतलेख, सुनकर लिखना, डिक्टेशन, इंग्लिश में हम डिक्टेशन बोलते हैं। सुनकर लिखना, श्रुत का अर्थ होता है सुनकर, लेख मतलब लिखना। तो इसे हम डिक्टेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहली बात है, मैंने आपको जैसे अभी बताया था, हिंदी में जिस तरह से बोला जाता है ठीक उसी तरह से लिखा जाता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिस तरह से लिखा जाता है ठीक उसी तरह से बोला भी जाता है। तो इसका एक घाटा भी है, अगर हम गलत बोलेंगे तो लिखने वाला भी गलत लिखेगा। अगर हम गलत शब्द को याद करेंगे या उसका उच्चारण गलत करेंगे तो लिखते समय भी हमसे गलती हो जाएगी। तो पहले इन शब्दों को देख लेते हैं। चौकन्ना हमारा पहला शब्द है, चौकन्ना। चौकन्ना दूसरा वाला है, बिच्छू। तीसरा है, विषैला। फिर है अद्भुत,
अद्भुत, फिर है मुकुट। मुकुट एक और, फिर आगे चलते तांबा, एक ही नया शब्द आपने सुना होगा, एक धातु का नाम होता है तांबा। तांबे से ही बिजली की तारें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा, यह भूरा और लाल के मिश्रण जैसा होता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र राष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्र से संबंधित। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं तो किसी राष्ट्र के ध्वज की बात करें, अगर राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं तो किसी राष्ट्र के पक्षी की बात करें। के बाद दृश्य, उसके बाद है अंतिम है धन्यवाद। धन्यवाद, तो उच्चारण पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, शब्द तो हमने लिखा है जैसे, तो ज़रा से फिर से ध्यान से देखिए, चौकन्ना, आधा ना फिर पूरा ना, तो उच्चारण में देखो चौकन्ना, चौकन्ना, तो न का एक पहले अल्प उच्चारण करें, बाद में बड़े जो पूरा है उसका पूरा उच्चारण करें। बिच्छू, च का कम उच्चारण किया जा रहा है, अगर ये पूरा उपज में बिच्छू बोलते हैं तो उसमें बच्चा पूरा छ लिख देते हैं, बिच्छू। विशैला, अद्भुत, द का उच्चारण कम है, अद्भुत। मुकुट, माँ में भी छोटा ऊ की मात्रा, क में भी छोटा ऊ की मात्रा, फिर ड, मुकुट, मुकुट। तांबा, चंद्रबिंदु है, तांबा धातु का नाम होता है, जिन्हें अभी मैंने बताया आपको, बिजली की तारें तांबा तांबे धातु से बनाई जाती है। कृष्ण, ईश्वर का नाम है कृष्ण, तो श आधा है, ड पूरा, क में र है, याद रखना कृष्ण, क में र है कृष्ण। उसके बाद है राष्ट्रीय, श आधा है और ये ट जो है ये नीचे वाला है, तो ट के नीचे हम इस तरह का लगाए थे ट्र, राष्ट्रीय। दृश्य, धन्यवाद, तो ये नए शब्द हैं, तो इसे आपको ध्यान से इसका उच्चारण करना है बोल करके, और उसके बाद में आप इसे डिक्टेशन अपने बड़े भाई बहन की मदद से इसे उन्हें पढ़ने के लिए कहें, और फिर आप लिख करके भी इसकी जांच कर लीजिए। नए शब्द हैं, इन्हें लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। चौकन्ना, बिच्छू, विशैला, अद्भुत, मुकुट, तांबा, कृष्ण, राष्ट्रीय, दृश्य, धन्यवाद। तो ये है हमारे, हम कहेंगे शूत्रलेख के शब्द, इनका आपको उच्चारण करना है और इन्हें पढ़ना है, उसके बाद आप आ जाएंगे अब करने की बारी। अब करने की बारी, और जैसा कि आपको पता है हम सब प्रश्न करते हैं, इन्हें भी नहीं छोड़ते, और ये ऑनलाइन कक्षा में अब हम इसे चर्चा के द्वारा करते हैं, आपको पता ही है, लेकिन हम वीडियो में भी इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं ताकि आपको चर्चा करने के लिए कुछ सामग्री मिल जाए, आप पहले से इसकी तैयारी कर सके। अब करने की बारी, हमारा पहला जो है कि मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पशु, ये आपको पता लगाना है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पाठ पढ़ने से हमें पता चल ही गया है, हमारा राष्ट्रीय पशु फूल और खेल, ये तीनों का आपको पता लगाना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, फूल कौन सा है और खेल कौन सा है। मेरे ख्याल से पशु और फूल तो आप बता दोगे, खेल खेल शायद आपके लिए मुश्किल हो, तो इसकी कोशिश जरूर करिएगा,
तो ये हमारा क प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसे आपको खुद जरा इसके लिए आपको कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको ये मिल भी जाएगा। तो आपको तीन चीज़ों के, भारत के तीन राष्ट्रीय पशु के बारे में का नाम जानना होगा, राष्ट्रीय फूल का नाम जानना पड़ेगा, और राष्ट्रीय खेल ये कौन कौन से हैं। ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने ख प्रश्न, ये बहुत ये भी अच्छा प्रश्न है। ख हमारा है कि आपके घर के आंगन में, ये सही है, ये तो आप खुद बता सकते हैं इसे, आपके घर के आंगन या छत में कौन कौन से पक्षी आते हैं, कौन से कीड़े मकौड़े आते हैं, उनके नाम और सूची बनाओ। तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, कई बच्चों के तो छत पे बता रहे थे मोर आता है, तो मोर भी लिखेंगे, मोर के अलावा भी बहुत से पक्षी होते हैं, आप उनके नाम जानते हैं। कुछ कीड़े मकौड़ों के भी नाम हमें पहचानने चाहिए, जैसे घर में अलग अलग मक्खी और मच्छर तो हम लोग जानते ही, हर कोई बच्चा मक्खी और मच्छर तो पहचान लेता है, उसके अलावा ततैया जो पीले रंग की होती है, मधुमक्खी भी बच्चे पहचान लेते हैं, उसके अलावा हम कौन कौन से हैं कीड़े, जो है टिड्डा, ग्रास हॉपर आप लोग बोलते हो, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स जिसे हम कनखजूरा बोलते हैं, इसके बहुत से पैर होते हैं, तो कौन कौन से आप कीड़े पहचान लेते हो, उनके भी आपको नाम लिखने हैं, और ये आप रफ कॉपी में इसे करेंगे। तो पक्षियों के नाम जो आप पहचान लेते हो, जो आपके घर के छत पे या फिर आंगन में आते हैं, आपके घर के छत पे या आंगन में आने वाले पक्षियों के नाम और घर में आने वाले कीड़ों के नाम। तो बहुत से कीड़े इस समय बरसात का मौसम है, रात को भी कितनी कीड़े आ जाते हैं, और क्या आप उनके नाम जानते हैं, तो इसे हम ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी सुविधा के लिए उनके नाम नोट कर लीजिएगा, ताकि आप उस समय भूल ना जाए। यह है, क्या पशु पक्षियों और मनुष्यों के बीच दोस्ती हो सकती है, कैसे, यदि किसी पशु या पक्षी को मित्र बनाना हो तो क्या करोगे, बताओ। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर हम किसी पशु या पक्षी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, हमें प्यार से उससे पेश आना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि हम उसे कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं। कुछ बच्चे पशुओं को देखते हैं उनकी उन पर हमला कर देते हैं, चिड़ियों को भगा देते हैं, डरा देते हैं, या फिर उन पर पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, गलत बात। किसी भी पशु या पक्षी को डराना नहीं चाहिए। अगर सचमुच आप उसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप उसको बड़े प्यार से आपका व्यवहार, क्योंकि बड़े प्यार से सबसे पहले आपका व्यवहार देखेंगे, बाद में आपके दी गई खाने की चीज़ देखेंगे। तो वे खाने के लालच से नहीं आते, वे प्यार के से भी आते हैं, तो आप उनसे अपना अच्छा व्यवहार रखिए। अगर आप हो सके, क्योंकि वो मेहमान हैं, आपके घर में आए हैं, तो आप उन्हें खाने पीने के लिए अगर वस्तु दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ये दोस्ती हो जाती है। जैसे कि आशीष ने अभी मोर से दोस्ती की, तो आप भी पशु पक्षियों से दोस्ती कर सकते हैं। उसके अलावा है घ प्रश्न, ये चर्चा के लिए हमारे ऑनलाइन का प्रश्न रहेगा। पक्षियों को पकड़ना और उन्हें पिंजरे में रखना कहाँ तक उचित है, आप अपने पक्ष में तर्क, क्या आप चाहते हैं कि पक्षियों को बंद करके पिंजरे में रखा जाए। कई लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें तोता, मैना, ऐसे पक्षियों को बंद रखा है पिंजरे में, क्या आपको ये सब अच्छा लगता है। कोई मेरा विचार जानना चाहेगा तो मैं कहूँगा नहीं, ये गलत बात, पक्षी अगर पिंजरे में रहेगा तो बीमार हो जाए। पक्षी बहुत दूर तक उड़ने वाले जीव होते हैं, अगर हम उनको केवल देखने के लिए ही उन्हें पिंजरे में डाल के रख दिया जाए, भले आप उनको खाने के लिए कितनी भी अच्छी चीज़ें दें, वे कभी खुश नहीं रह सकते। पिंजरे में जो बंद होता है पक्षी, वो दुखी रहता है, वो कैद में रहता है, वो अपने मन की बात, अपने मन की इच्छा से कहीं भी आ जा नहीं सकता, और कुछ दिनों के बाद वो बीमार भी हो जाता है। तो कोई आपको भी इसी पे अपना विचार रखना है, मैं ऑनलाइन कक्षा में पूछूंगा कि क्या पक्षियों को पिंजरे में रखना चाहिए, अगर हाँ तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, अगर आप कहते हैं नहीं तो उसका कारण भी आपको देना रहेगा। तो ये रहेगा आपका ऑनलाइन कक्षा का एक हमने प्रश्न दे दिया है, और हम इसे ऑनलाइन कक्षा में आपसे चर्चा करके इस पर आपकी राय लेंगे। तो ये था अब करने की बारी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो छठा पाठ है वो पूरा हो जाता है। अब हम अपने
कल सातवें पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।